दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सी टैट के लिए। दोस्तों आप सभी जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सी टैट पेपर लीक मामले में कोचिंग संस्थान संचालक को गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए जो लोग भी दोस्तों सी टैट की तैयारी करते हैं। सी टैट का पेपर लीक हुआ दोस्तों, और आज पेपर की सुर्खियों में सी टैट पेपर लीक मामले में जो है सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको अपने इस चैनल पर दिखा रहा हूं दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लखनऊ SNBC आपका न्यूज़ पेपर में निकला हुआ है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सी टैट के मामले में STF कोचिंग संचालक अमित सिंह को इंद्रनगर से गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को मेरठ में पकड़े गए गिरोह के दो सदस्यों ने अमित सिंह के बारे में जानकारी दी थी, और इसके बाद STF उसकी तलाश कर रही थी। आरोपी के पास 3 मोबाइल फ़ोन, 137 वर्कशीट, सीटेट पेपर, परीक्षा के प्रश्न पत्र और विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी, कई बैंकों की चेकबुक और पासबुक बरामद हुआ है। लैपटॉप को भी अपने कब्जे में लिया गया है। एसटीएफ विशाल विक्रम सिंह के मुताबिक पेपर लीक मामले में मेरठ में गिरोह के 2 लोगों को दबोचा गया था। पड़ताल में इंद्रनगर के डी ब्लॉक निवासी अमित सिंह का नाम सामने आया था, और इसके बाद टीम ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। बुधवार को टीम ने गाजीपुर के कलेवा तिराहे से आरोपी को दबोच लिया था। दोस्तों कोचिंग सेंटर की आड़ में चला रहा था पेपर लीक का धंधा। अमित सिंह ने कॉमर्स में PhD किया था और वो मास्टर हब के नाम से कोचिंग सेंटर चला रहा था। और दोस्तों इस गिरोह में और भी लोग जो है वो सामने आए हैं। और दोस्तों इसमें जो पेपर लीक हुआ है ये आपका 12 और 13 जनवरी को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसके 1 घंटे पहले से ही वो व्हाट्सएप पे पेपर जो है पेपर भेज दिया गया था, और इसके बाद से उसने पेपर को आगे 2 से 2.5 लाख रुपए में बेच दिए थे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सीटेट का पेपर जो कि इस समय ऑनलाइन कराया जा रहा है, उस ऑनलाइन पेपर के होने के बावजूद भी पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो आप किस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है ये सतर्कता कहीं ना कहीं चूक हुई है शासन से और सीटेट जो CBSE के द्वारा कराया जा रहा है उससे चूक हुई है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी। अब देखिए इसके बाद सीटेट का पेपर आगे कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसा अगर होगा मैं आपको अपने इस चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल ये जो बहुत बड़ी अपडेट है आज के पेपर में वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी सीटेट के अपडेट के लिए, बाकी सीटेट की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।